देखा, आप मैंने पहली इंग मीटिंग ली है, इसका जैसा आपने बताया कांवड़ के संबंध में उससे चर्चा हुई है कि पिछले बार कितना फोर्स लगा था, कितनी इनकी मांग है, इसमें कुछ नए सेक्टर और जोन भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कि कलियर और रुड़की में पिछली बार कहीं घटनाएं हुई थी तो उसके हिसाब से एक नया सेक्टर भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में अब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लग गया, क्योंकि पंजाब की गाड़ियाँ देहरादून से बाईपास होते ऋषिकेश पहुँच रही हैं, तो उसके लिए भी ट्रैफिक प्लान बनाया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ नीलकंठ हो जाएंगी वो बराज होते हुए नीलकंठ जाएंगी, और वापसी में वो गया मुनि की रेती जो पुल बना है नया वाला उसके होते हुए वापस आएंगे। तो ये ट्रैफिक प्लान के संबंध में बात करी गई है। दूसरा ये बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लें, जो फोर्स आए उसके लिए वेलफेयर को देखने के लिए वेलफेयर ऑफिसर वहाँ पे नियुक्त कर दिए। मेन कांवड़ में यही हुआ कि आपस में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे व्हाट्सएप नंबर या नंबर टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, जिससे कि सूचना का आदान प्रदान तुरंत हो जाए। ये तो मुख्यतः कांवड़ की बातें थी। एक डाक कांवड़ चलती है तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल पाती, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल का उपयोग करें, प्राइवेट मोटरसाइकिल जो कॉन्स्टेबल्स वगैरह की उनकी भी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कराया जाए। सर, बागपत में घटना को लेकर कोई अलर्ट या कुछ? या जैसा आपने बताया, जिनके बारे में आप बता रहे हैं उनके संबंध में एसपी हरिद्वार को संवेदनशील रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी इस तरह की बात प्रकाश में नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उन पर शक जाहिर किया जा रहा है, उनको जो उनके साथी हैं उनके ऊपर निगाह रखने के लिए निर्देश दिया गया। अपराध की समीक्षा गई कि अपराध करीब करीब यहाँ पे बहुत अच्छा नियंत्रण है, रिकवरीज है, लेकिन लंबित विवेचनाएँ बहुत ज़्यादा है। एक ये कहा गया कि इसका 15 दिन का एक अभियान चलाएं, जिससे कि लंबित विवेचनाएँ का निस्तारित किया जा सके।